कहानी की शुरुआत में हम एक साइंस लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर स्टर्न और प्रोफेसर वर्न एटॉमिक पार्टिकल रिएक्टर को बनाने के ऊपर काम कर रहे थे। दरअसल वो दोनों प्रोफेसर क्रैंस्टन एकेडमी नाम के एक सीक्रेट यूनिवर्सिटी के मेंबर थे, जहाँ पर दुनिया के सबसे बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ते हैं। वो दोनों प्रोफेसर कई सालों से एटॉमिक पार्टिकल रिएक्टर के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली थी। अब एक बार प्रोफेसर स्टर्न जब कुछ काम से लैब से बाहर होते हैं, तो गलती से प्रोफेसर वर्न के हाथों से कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक लिक्विड गिर जाता है, जिससे पार्टिकल रिएक्टर में गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से बहुत सारे टेंटिकल्स वाले क्रिएचर बाहर निकलने लगते हैं। और इससे पहले कि प्रोफेसर वर्न कुछ समझ पाते, वो टेंटिकल प्रोफेसर वर्न को पोर्टल के अंदर खींच लेते हैं। अगले सीन में हम एक स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर साइंस का इनोवेशन कॉम्पिटिशन चल रहा था और सभी बच्चे अपने द्वारा बनाए गए गैजेट टीचर को दिखा रहे होते हैं। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल को किसी भी बच्चे का गैजेट पसंद नहीं आता, इसीलिए वो एक एक करके सभी बच्चों को कंपटीशन से बाहर कर देती है। वहीं पे अब डैनी नाम के एक बच्चे की जब बारी आती है, तो वो सभी के सामने अपना इन्वेंशन प्रस्तुत करता है, जो छोटे कीड़ों को मारने वाला एक छोटा सा डिवाइस था। दरअसल डैनी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, जो अक्सर अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट करता रहता है। लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और इसीलिए वो डैनी को उस कॉम्पिटिशन से बाहर कर देती है। और अपने बेटे को, जिसने मुंह से फूक मारने पर ब्लास्ट होने वाला वोल्केनो बनाया था, उसे उस कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज दे देती है, जिससे डैनी बहुत दुखी होता है। फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद प्रिंसिपल का बेटा अपने दोस्तों के साथ डैनी को बुली करने के लिए आता है, और डैनी उनसे बचने के लिए जाकर स्कूल के वॉशरूम में छुप गया था। लेकिन वो वहां पर भी आ जाते हैं, और इससे पहले कि वो डैनी को कोई नुकसान पहुंचाते, वहां पर एक लेडी आती है, जो अपने मैजिकल पावर की मदद से उन बच्चों को डैनी से दूर कर देती है। डैनी उस लेडी के पावर्स को देखकर पूरी तरह से हैरान था। इसके बाद वो लेडी डैनी को अपने बारे में बताती है कि वो क्रैंस्टन एकेडमी की प्रिंसिपल है और उनका नाम इवांस है। वो डैनी को ये बताती है कि क्रैंस्टन एकेडमी एक सीक्रेट और एडवांस सोसाइटी है, जहां पर तुम्हारे जैसे कई सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और इसके बाद इवांस डैनी को क्रैंस्टन एकेडमी चलने को कहती है, क्योंकि डैनी के एक्सपेरिमेंट को देखकर ही उसे क्रैंस्टन एकेडमी के लिए चुना गया था। उनकी बातें सुनकर डैनी बहुत खुश होता है, और वो क्रैंस्टन एकेडमी जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन डैनी अपने मॉम डैड से विदा लेकर क्रैंस्टन एकेडमी के द्वारा भेजी गई फ्लाइंग कार में बैठकर क्रैंस्टन एकेडमी की तरफ निकल पड़ता है। और वहां पहुंचने पर डैनी को प्रोफेसर इवांस अपने साथ एकेडमी के अंदर ले जाती है। डैनी जब क्रैंस्टन एकेडमी के अंदर का सीन देखता है, तो वो पूरी तरह से हैरान होता है, क्योंकि वहां पर चारों तरफ स्टूडेंट्स अपने द्वारा बनाए गए गैजेट से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। रास्ते में जब डैनी उस बिल्डिंग को देखता है, जिसमें प्रोफेसर वर्न अपने रिसर्च के दौरान गायब हो गए थे, तो डैनी उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। लेकिन इवांस उसे समझाती है कि जब से प्रोफेसर वर्न गायब हुए हैं, तभी से इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से तुम इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते। इसके बाद इवांस डैनी को प्रोफेसर स्टर्न से मिलवाती है, जो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे। वहां पर डैनी सभी को अपना इन्वेंशन दिखाकर सभी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी उसके इन्वेंशन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। और प्रोफेसर स्टर्न उसके इन्वेंशन को अपने कब्जे में लेकर तोड़ देते हैं, क्योंकि वो डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद वो डैनी को क्लास में अपनी सीट पर जाकर बैठने के लिए बोलते हैं, और जब डैनी अपनी सीट पर आकर बैठता है, तो वो लिश नाम की एक लड़की से मिलता है। वो उसके इन्वेंशन की बहुत तारीफ करती है, जिसे सुनकर डैनी बहुत खुश होता है, और वो दोनों जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इस दौरान प्रोफेसर स्टर्न डैनी को लिश से बात करते हुए देख लेते हैं, और वो डैनी को क्लास में बात करने के लिए डांटने लगते हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर डैनी घबराकर लिस से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे लिस का प्रोजेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जिस वजह से वो डैनी से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रात में जब वो अपने रूम में आता है, तो उसे पता चलता है कि लिस भी उसी रूम में रहा करती थी, यानी कि वो दोनों क्लासमेट होने के साथ साथ रूममेट भी थे। अब क्योंकि लिस डैनी से गुस्सा थी, इसीलिए वो डैनी के साथ अब रहना नहीं चाहती थी, जिसके सॉल्यूशन के लिए डैनी अपने डिवाइस की मदद से रूम के बीच में एक दीवार बना देता है, और इस प्रकार वो रूम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसके एक हिस्से में अब लिस रहती है और दूसरे हिस्से में डैनी। अब डैनी जब पढ़ाई कर रहा होता है, तो अचानक से उसका ध्यान उस बिल्डिंग पर जाती है, जिसे प्रोफेसर वर्न के गायब होने के बाद से ही बंद कर दिया गया था। डैनी खुद को उस बिल्डिंग में जाने से रोक नहीं पाता, और सभी से छुपते हुए वो उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वहां पर उसे वही बंद पड़ा हुआ पार्टिकल रिएक्टर दिखाई देता है, जिसके अंदर प्रोफेसर वर्न गायब हुए थे। वो उस रिएक्टर को देखकर सोचता है कि अगर मैं किसी तरह इस पार्टिकल रिएक्टर को ठीक कर सकूं, तो वो प्रोफेसर स्टर्न के साथ ही पूरे एकेडमी के बच्चों के सामने हीरो बन जाएगा, और प्रोफेसर को पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है।
और इसीलिए वो उस पार्टिकल रिएक्टर को ठीक करने का डिसाइड करता है। लेकिन इसके लिए उसे हाई वोल्टेज बैटरी और कॉपर वायर की जरूरत थी। और अगले दिन डैनी को क्लास के लैब से कॉपर वायर और एक कार से पावरफुल बैटरी मिल जाती है। और रात होते ही वो सालों से बंद पड़ी उस बिल्डिंग में पार्टिकल रिएक्टर को ठीक करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन इस बार लिस डैनी को कमरे से बाहर जाते हुए देख लेती है। और जब डैनी उस पार्टिकल रिएक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर लिस आ जाती है और वो डैनी को समझाती है कि तुम कभी भी इस पार्टिकल रिएक्टर को ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोफेसर स्टर्न ने सालों तक इस पार्टिकल रिएक्टर को ठीक करने की काफी कोशिश की लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुए। डैनी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस पार्टिकल रिएक्टर को ठीक करने के अपने काम को जारी रखता है। अब सब कुछ फिक्स करने के बाद जब डैनी उस रिएक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है तो पूरे क्रैंस्टन एकेडमी की लाइट चली जाती है और उस पार्टिकल रिएक्टर के पास एक पोर्टल ओपन हो जाता है। डैनी जब उस पोर्टल को देखता है तो उसके अंदर जाने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो उस पोर्टल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था, जहां पर बहुत से अजीबोगरीब क्रिएचर थे जो डैनी पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। डैनी उन सब क्रिएचर को देखकर बुरी तरह से डर गया था और किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता हुआ वापस से पोर्टल के बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो उस पोर्टल से बाहर आता है तो उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है और वो वहां से भाग जाता है। अब जल्दी से लिस और डैनी उस पार्टिकल रिएक्टर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोककर उसे बंद करते हैं और उस अजीब से दिखने वाले इंसान का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से जाते हैं वो पोर्टल एक बार फिर से अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों जब उस अजीब से दिखने वाले आदमी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो आधा इंसान था और आधा मौत था, यानी कि वो एक इंसान और मौत का मिला जुला रूप था और वो मौत की तरह ही लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। और अब डैनी जब उसकी तरफ लाइट करता है तो वो डैनी के पास आ जाता है, लेकिन वो डैनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और जब डैनी उससे उसके बारे में पूछता है तो वो अपना नाम मॉथमैन बताता है। दरअसल ये मॉथमैन कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर वर्न थे, जो डैनी को अपने बारे में बताते हैं कि किस प्रकार एक अननोन टेंटिकल के द्वारा पोर्टल के अंदर खींचे जाने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, जहां पर बहुत से अजीबोगरीब क्रिएचर मौजूद थे जो किसी भी तरह उन्हें मारना चाहते थे। पोर्टल के अंदर की दुनिया बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी थी और जब एक आंख वाले मॉन्स्टर ने उन्हें मारने के लिए उसका पीछा किया तो वो उससे बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप गया, जहां पर एक जायंट मौथ ने उन पर हमला करके उन्हें काट लिया और उसके अगले ही पल वो एक मॉथमैन में ट्रांसफॉर्म हो गए। अब अचानक से मॉथमैन के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो अपने पास रखा पेपर सॉस खाकर अपने सिर के दर्द को कम करता है और डैनी को बताता है कि जब भी उसके सर में दर्द होता है तो वो ये सॉस खाता है, जिसके खाने से उसके सर का दर्द खत्म हो जाता है। दरअसल उस मॉन्स्टर वर्ल्ड में रहने के दौरान ही मॉथमैन ने इस चीज का डिस्कवर किया था कि जब भी उसके सर में दर्द होने पर वो सॉस खाता था तो उसके सर में दर्द कम हो जाता था। इसके बाद डैनी और लिस मॉथमैन को अपने कमरे में ही आराम करने के लिए बोलकर स्कूल चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद मॉथमैन भी डैनी और लिस के स्कूल में पहुंच जाता है और वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों किसी तरह बहाना बनाकर अपने क्लास से बाहर निकल आते हैं और मॉथमैन के साथ पार्टिकल रिएक्टर के पास जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि पार्टिकल रिएक्टर के पास पोर्टल खुला हुआ है, यानी कि जरूर कोई क्रिएचर पोर्टल से बाहर निकला होगा। और अगले ही पल उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती है और जब वो उस आवाज का पीछा करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वही एक आंख वाला जायंट मॉन्स्टर होता है जो कि दीवार के आर पार भी जा सकता था और वो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग बुरी तरह से डरकर अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर डैनी को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो डैनी को कोई नुकसान पहुंचाता, मॉथमैन अपने सॉस की बोतल को डैनी की तरफ फेंकता है और डैनी उस जायंट मॉन्स्टर की आंख में वो सॉस डाल देता है, जिससे जायंट मॉन्स्टर उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब वहां पर प्रोफेसर इवांस और प्रोफेसर स्टर्न भी आ जाते हैं, जो बिल्डिंग में हुए तोड़फोड़ का जिम्मेदार डैनी और लिस को मानते हैं और इसीलिए वो उन दोनों को क्रैंस्टन एकेडमी से बाहर निकाल देते हैं। हालांकि डैनी और लिस उन दोनों को सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें डैनी और लिस की बातों पर विश्वास नहीं होता। और जब वो दोनों क्रैंस्टन एकेडमी छोड़कर जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर वही एक आंख वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जो प्रोफेसर इवांस को पकड़कर अपने साथ पोर्टल के अंदर ले जाता है। डैनी और लिस पोर्टल तक उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब देखते ही देखते पोर्टल के अंदर से वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर निकलना शुरू हो जाते हैं और वो चारों तरफ तबाही मचाना
स्टार्ट कर देते हैं और उस पूरे एकेडमी में डर का माहौल फैल जाता है। और अब वो पोर्टल और भी बड़ा होना शुरू हो गया था और अचानक से मॉथमैन हिप्नोटाइज होकर डैनी और लिस को लेकर पोर्टल के अंदर जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को लेकर पोर्टल के अंदर जाता, डैनी मॉथमैन को उसका सॉस खिला देता है जिससे वो वापस अपने होश में आ गया था। और वो उन्हें बताता है कि ये सब एक बड़े बड़े टेंटिकल वाले जाइंट मॉन्स्टर की वजह से हो रहा है और अगर हम किसी तरह उस जाइंट मॉन्स्टर को मार देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। मॉथमैन की बात सुनकर डैनी और लिस पोर्टल के अंदर जाकर उस जाइंट मॉन्स्टर को हराने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो कुछ ऐसे गैजेट्स को अपने पास रख लेते हैं जो पोर्टल के अंदर उनके काम आ सकता था। इसके बाद हम एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे मॉन्स्टर से बुरी तरह डरे हुए थे और वहीं पे प्रोफेसर स्टर्न अपनी जान बचाकर एकेडमी छोड़कर जाने का प्लान बना रहे थे। लेकिन अगले ही पल उनके पास भी एक मॉन्स्टर आता है जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाते हैं। अब डैनी और लिस एकेडमी के बाकी बच्चों के साथ अपनी एक टीम बनाकर पोर्टल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर आकर उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि क्रैंस्टन एकेडमी में पढ़ने वाले सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, इसीलिए वो अपने द्वारा बनाए गए गैजेट्स की मदद से उन मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर डैनी मॉथमैन और लिस के साथ वहां से निकलकर पोर्टल के पास आ जाता है। लेकिन जब डैनी मॉथमैन को अपने साथ पोर्टल के अंदर चलने को कहता है तो मॉथमैन उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है, जिससे डैनी और लिस बहुत दुखी होते हैं और वो दोनों अकेले ही उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पोर्टल के अंदर जाने पर कुछ खतरनाक टेंटिकल उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो डैनी और लिस को कोई नुकसान पहुंचाते वहां पर मॉथमैन आ जाता है जो उन दोनों को उस टेंटिकल से बचा लेता है। मॉथमैन को वहां पर देखकर डैनी और लिस बहुत खुश होते हैं। वहां से आगे बढ़ने पर आदमखोर पौधे इन्हें खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी तरह उनसे बचकर वहां से निकल आते हैं। अब ये लोग किसी तरह रास्ते में पड़ने वाली मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। अब वहां पर ढेर सारे वही टेंटिकल्स आ जाते हैं जिन्होंने प्रोफेसर वर्न को खींचकर पोर्टल के अंदर ले गया था, लेकिन इस बार उन्होंने प्रोफेसर स्टर्न और इवांस के साथ ही एकेडमी के सभी बच्चों को पकड़ रखा था और इस समय वो सभी लोग टेंटिकल्स के कंट्रोल में थे। अब वो टेंटिकल सभी लोगों को अंदर की तरफ खींचने लगती है, जिसके बाद मॉथमैन अपने साथी प्रोफेसर स्टर्न को बचाने के लिए उन टेंटिकल के पीछे जाता है। लेकिन जब वो वहां पर कुछ खतरनाक मॉन्स्टर को देखता है तो उनसे डरकर वो पीछे हट जाता है, लेकिन अगले ही पल एक टेंटिकल मॉथमैन पर हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। डैनी किसी तरह उन्हें बचाने के लिए उन टेंटिकल का पीछा कर रहा था। वो बहुत ही डरावने और खतरनाक रास्ते से होता हुआ एक वोल्केनो के पास पहुंचता है, क्योंकि वो सभी टेंटिकल यहीं से बाहर निकल रहे थे। अब यहां पर अचानक से जमीन फटना शुरू हो जाता है। डैनी और लिस किसी तरह अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हैं। मॉथमैन और बाकी के लोग अभी भी टेंटिकल के कंट्रोल में थे, लेकिन डैनी और लिस को पकड़ने के दौरान वो टेंटिकल आपस में उलझ जाती है और सभी को छोड़ देती है। और इसके बाद उस वोल्केनो के अंदर से सभी टेंटिकल का मालिक जाइंट ब्रेन हंटर बाहर निकलता है, जो डैनी और लिस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और जल्द ही अपने लंबे टेंटिकल की मदद से वो उन्हें पकड़ भी लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मार पाता, डैनी उस जाइंट ब्रेन हंटर के मुंह के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देता है, जिससे वो जाइंट ब्रेन हंटर देखते ही देखते फ्रीज हो गया था और उसके बाद वो टूट कर वहीं पे बिखर जाता है। उसके मरने के बाद सभी लोग होश में आ जाते हैं और अब पोर्टल के अंदर की दुनिया बर्बाद होना शुरू हो गई थी, इसीलिए वो सभी लोग अपनी जान बचाकर पोर्टल से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। और अब यहाँ पर क्रैंस्टन एकेडमी की एडवांस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी आ जाती है, जो डैनी और लिस के साथ ही बाकी सभी लोगों को भी उड़ाकर पोर्टल से बाहर निकाल लेती है। अगले दिन एकेडमी में सभी के सामने डैनी और लिस को एक नए वर्ल्ड की खोज और बहादुरी से सभी की जान बचाने के लिए उन्हें अवार्ड दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।